आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई द्वारा माजन मोड़ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि चितरंगी ब्लॉक बगदरा के संकुल अंतर्गत बरगवा विद्यालय में जो शिक्षक व जन शिक्षक की लापरवाही के कारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली बच्चों की पुस्तक को घोरावल कबाड़ बाजार में बेच दिया गया था, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद जिला इकाई के साथ नगर इकाई चितरंगी में भी कई बार ब्लॉक स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और संदर्भ में शिकायत भी की, फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रेस वार्ता आयोजन में जिला संयोजक धीरज सिंह, विभाग संयोजक शशांक सिंह, विभाग छात्रा प्रमुख पूर्णिमा सिंह, राहुल महाजन, चितरंगी लक्ष्मण सिंह रानी सहित प्रमुख कार्यकर्ता रहे। जिला संयोजक ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। मार्केट में बेचा जा रहा है, थोक के भाव में, रद्दी के भाव में बेचा जा रहा है। इसमें मैं आप सभी से ये इसे अपने वार्ता माध्यम से मैं आप सभी से समझ के बात करना चाहूँगा कि आप ये बात हमारी माननीय कलेक्टर महोदय तक पहुँचाएँ और उनसे पूछें, ये चीज़ें जो है निःशुल्क जो सरकार की तरफ से जो किताबें प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें अगर इस तरह मार्केट में बेचा जाएगा, रद्दी के भाव में बेचा जाएगा, तो कल के दिन में अगर कल के डेट में अगर ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी जो भी चीजें होती हैं अगर सरकारी चीजों पर कब्जा किया जाने लगे उसका जवाबदार कौन होगा? मैं जिस सरकार को कलेक्टर महोदय से पूछना चाहता हूँ, नगर प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। इसके संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन अपर कलेक्टर व एसडीएम चितरंगी को ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? लक्ष्मण जी, इस पर क्या कहेंगे आप?